सुबह सुबह अभी के टाइम में सभी फ्री फायर कम्युनिटी के यूट्यूबर्स एक ही बात बोल रहे हैं कि जो हमारा फ्री फायर इंडिया है ना वो 14 फरवरी को आने वाला है। यहाँ तक कि गूगल भी इसी बात को बोल रहा है कि 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे के दिन आपको फ्री फायर इंडिया प्ले स्टोर में देखने को मिलने वाला है। यानी वैलेंटाइन डे के दिन आपको जीएफ मिले या न मिले नो प्रॉब्लम, बट आपको फ्री फायर इंडिया आपके प्ले स्टोर में देखने को मिलने वाला है। तो क्या है इसकी रियलिटी, क्या रियली में हमारा फ्री फायर इंडिया 14 फरवरी को आने वाला है? अगर 14 फरवरी को नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, अगर आएगा तो कब आने वाला है उसकी मैं आपको कन्फर्म डेट इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। इसके अलावा जो आपका अकाउंट है ना सभी के टाइम में जिससे आप खेल रहे हो वो वाला अकाउंट आपका सस्पेंड हो सकता है, आपकी सालों की मेहनत बेकार चली जाएगी। बिकॉज गरी ने फ्री फायर आईडी बैन को लेके एक न्यू रूल लेकर आया है, उस रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा एंड आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने कौन सी मिस्टेक की। सो गाइस अगर आप अपने अकाउंट को बचाना चाहते हो तो बस वीडियो को लास्ट तक वॉच कर लो, आपका अकाउंट कुछ भी नहीं होगा। उसके अलावा गाइस जो आप पीआर इमोट देख रहे हो ये अभी के टाइम में वैलेंटाइन डे की थीम पर ये वाला इमोट आया है, जिससे आप अपने पार्टनर या फिर फ्रेंड के साथ ऐसे पेयर करके इसको यूज कर सकते हो। तो ये वाला इमोट आपको एकदम फ्री में देखने को मिलने वाला है। तो वो कैसे मिलेगा सारा कुछ सिस्टम मैं आपको फुल करके दिखाने वाला हूँ। एंड उसके अलावा गाइस और भी बहुत सारी अपडेट है मेरे पास फ्री फायर के बारे में, तो वो भी इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। एंड गाइस देखो आज है हग डे एंड आपको हग डे की कसम है यार, प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो एंड मेरी पूरी वाईटी फैमिली को मैं हग करता हूँ भाई जोर से। भाई आप मेरे भाई लोग हो यार, आप मेरी फैमिली हो यार, तो आपको एकदम हैप्पी हग डे, आपको जितना हगना है हगो, ऐसा भी होता है गाइस में। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या 14 फरवरी को हमारा फ्री फायर इंडिया आने वाला है या फिर नहीं। तो गाइस इसका आंसर है सीधा सीधा नहीं, 14 फरवरी को हमारा फ्री फायर इंडिया बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। अब देखो कुछ भाई लोग एक बात बोलेंगे, भाई गूगल इस बात को बोल रहा है। भाई देखो गूगल अपने आप से कुछ भी नहीं बोलता, गूगल पर बहुत सारे बंदे आर्टिकल को पोस्ट करते हैं, कोई आर्टिकल अगर उनका ट्रेंड में आ जाता है तो गूगल उसी के रिजल्ट को दिखा देता है, यानी गूगल खुद से कुछ भी नहीं दिखा रहा। तो ये जो डेट बोल रहा है ना गूगल 14 फरवरी, ये एकदम फेक है, 14 फरवरी को हमारा फ्री फायर इंडिया नहीं आने वाला है। तो वैसे ये बात रही फ्री फायर इंडिया की बैड न्यूज के बारे में, अब मैं आपको गुड न्यूज बता देता हूँ। देखो कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जो यूरोप सर्वर के एम्प्लॉय हैं उनको हमारे इंडिया में ट्रांसफर किया गया है, बट मैंने आपको रीजन नहीं बताया था। तो इसका रीजन बेसिकली ये है कि हमारे फ्री फायर इंडिया में FFIC यानी फ्री फायर इंडियन चैंपियनशिप होने वाला है, तो उसके लिए जो बाहर से टीम को बुलाया गया है यानी हमारे फ्री फायर इंडिया का जो टूर्नामेंट करवाने के लिए पूरी टीम लगी हुई है एंड काफी जल्द हमारा फ्री फायर इंडिया का टूर्नामेंट आने वाला है। एंड देखो टूर्नामेंट तब आएगा जब हमारा गेम आ जाएगा। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था गेम आपको फरवरी के मिड या फिर फरवरी के एंड में 110% देखने को मिल जाएगा। तो इस बात की कंफर्मेशन खुद रॉकी भाई ने दी है, उनके मुंह से आप खुद ही सुन लो। गेम का तो फिर गन उठा ले मेरे से, डबल में टबल ले, गेम बहुत जल्द आ रही है। बंदा कौन है तुम, कह रहा था मेरे पास है अब और दिन नहीं। अरे कुछ उठा के तो ला, एम टू दे ना, यूएम पे है, एम टू फोर है दे। अब और दिन बचे नहीं है गाइस, अब गेम आने ही वाला है, बस हो गया अब। तो कैसे रॉकी भाई ने बोल दिया है अब वेट इज ओवर हो चुका है, हमारा गेम आपको काफी जल्द देखने को मिलने वाला है। यानी वही बात होगी गाइस, आपको मिड फरवरी या फिर एंड फरवरी में आपको गेम हमारा देखने को फाइनली अब मिल जाएगा। इसको गाइस हम बात कर लेते हैं ये जो पीयर इमोट है ना ये आपको फ्री में देखने को कैसे मिलने वाला है। अब वो गरीना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली है जिसमें वो भाई लोग क्या कुछ कर रहे हैं कि वो इस इमोट का गिव अवे कर रहे हैं। आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है, पार्टिसिपेट करने के लिए आपको अपने पार्टनर या फिर आपको अपने फ्रेंड को टैग करना है एंड उसके बाद आपको अपनी खुद की यूआईडी को वहां पे कमेंट कर देना है। आपको इस तरीके से कमेंट को करना है, यही पार्टिसिपेट करने का बेस्ट तरीका है। अगर आप फालतू को कमेंट करोगे तो वो कुछ नहीं होगा, वो आपकी कमेंट स्पैम में चली जाएंगी एंड अगर आप लक्की हुए तो आपको भी ये वाला इमोट एकदम फ्री में देखने को मिल जाएगा। तो पार्टिसिपेट करने में क्या ही जाता है भाई, फ्री में कर रहे हो तो कर दो भाई सभी भाई लोग। अब हम बात कर लेते हैं आईडी बैन के बारे में। अब तो गरी ने फ्री फायर ने कुछ दिन पहले अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट डाली थी, उस पोस्ट में साफ साफ लिखा है वी हियर यू यानी हम आपको सुनते हैं। तो जो भाई लोग गेम में गाली गलौज करते हैं, टॉक्सिक बिहेवियर करते हैं, सभी को उल्टा सीधा माँ और बहन की गाली देते हैं, तो ये सब करना एकदम बंद करो। अगर बंदा आपको रिपोर्ट मार रहा है तो गरीना आपकी आवाज को सुन सकता है, गरीना के पास सभी के टाइम में सारा कुछ कंट्रोल होता है। जब भी आप फ्री फायर को खेलते हो तो वहां पे वो आपसे आपके माइक्रोफोन का एसएस मांगता है, यानी माइक्रोफोन में जो भी आप बोलोगे वो गरीना के पास रहता है। तो जब भी गरीना को जरूरत पड़ेगी वो आपका डेटा निकाल सकता है एंड अगर आप गाली देते हुए पाए गए तो आपका जो अकाउंट है ना वो टेम्पररी या फिर परमानेंट
करंट सस्पेंड हो जाएगा, फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो अभी के टाइम में जो आप गाली गलौज करते हो ना, तो ये सब करना बंद करो। फ्री फायर बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है। एंड ये सारी कुछ चीजें क्यों हो रही है? बिकॉज जो हमारा फ्री फायर इंडिया है ना, वो आने वाला है, तो गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तो जिस गेम में गाली गलौज होती है उस गेम को इंडिया में आने दे। इसलिए गाली गलौज करना बंद करो भाई लोग, तभी हमारा फ्री फायर इंडिया आसानी से आ जाएगा, कोई भी उसको दिक्कत नहीं होने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट अपडेट के बारे में। ये वाली कोई भी अपडेट नहीं है, ये वाले एक बग था जो कि अभी के टाइम में फिक्स हो चुका है। आपने देखा होगा जो अभी के टाइम में प्लेयर तत्सुया करेक्टर लेके खेल रहे थे, तो वो ऊपर कहीं भी छत वगैरह पे चढ़ के जंप कर सकते थे रनिंग के साथ साथ। तो ये वाली एबिलिटी काफी ज्यादा मस्त थी। बंदों ने सोचा भाई ये एबिलिटी OB43 अपडेट के बाद चेंज हो चुकी है, बट गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये एक छोटा सा ग्लिच था, गरने की तरफ से बग था, इसको फिक्स कर दिया गया है। अगर आप अभी के टाइम में तत्सुया करेक्टर को लेके किसी भी छत से या कहीं से भी जंप मारोगे, तो वो वहां से अब स्पीड उसकी नहीं बढ़ने वाली है। जब आप चलोगे, जब आप रनिंग कंडीशन में होगे नीचे ग्राउंड पे, तभी आपकी जो एबिलिटी वर्क करेगी। हवा में अब आपकी एबिलिटी वर्क नहीं करने वाली है। तो गाइस ये कुछ सीन था तत्सुया वालों के लिए। तो बस गाइस ये इस वीडियो में, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो एंड चैनल को प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो ऐसी अपडेट की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो गाइस जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।